अरे देवतागण, आप लोग रुक क्यों गए? भीतर चलिए ना। माँ, आप दोनों थक गए होंगे, हम सब फिर आएंगे आपकी दर्शन करने। देवराज इंद्र अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकते, अवश्य ही इन्हें कोई आवश्यक कार्य होगा। अरे माँ, आपके प्रवेश से पहले हमें तैयारी करनी होगी। इस स्थान की दशा तो बहुत खराब है, क्योंकि वर्षों से इस स्थान का ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं। अरे माँ की आरती! अरे माँ की आरती! ये थाल मुझे दो श्रृंगी, इसकी स्मृति पहले मुझे हुई थी। क्षमा कीजिए नंदी जी, आपने तो केवल सोचा था। इसे अपने हाथों में मैंने उठाया है, इसलिए माँ और प्रभु की आरती तो मैं ही करूंगा। ये अधिकार मेरा है श्रृंगी। अधिकार उसी का है नंदी जी जो पहल करे। मुझे दो थाली। मैं करूंगा आरती। मैं करूंगा आरती का थाल मैंने तैयार किया है। तुम छोड़ो थाल। मुझे दो थाल। मैं करूंगा आरती। मुझे दो। मुझे दो। बस करो। ऐसे संभाला जाता है घर? इस ढंग से रहते हो तुम सब? ये क्या है? बिना पका हुआ भोजन खाना अच्छा नहीं होता, पता है ना? कम से कम इतना तो पता होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वरत्व का माध्यम है। देवी, आपसे पहले इस स्थान पे ऐसा कोई नहीं था जो ये सब बातें इन्हें सिखा सके, इन्हें बता सके। पर अब मैं यहां आ गई हूं, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं कुछ नियम बनाऊं और उन नियमों का सभी को पालन करना होगा, समझ गए? आपको भी। अब जाइए, बाहर जाइए, और जब तक भीतर प्रवेश करने के लिए ना कहा जाए कोई भी भीतर नहीं आएगा, समझ गए? अरे जाइए।
से आरंभ करूं? घर केवल दीवारों और छत से घिरा कोई स्पंदहीन स्थान नहीं होता, परस्पर प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के जीवन को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने का आधारशिला होता है घर। और घर की महिमा होती है स्त्री से, वही घर का प्राण होती है, वही जीवन का आधार होती है। नियमों की दीवारों में बांधकर वो निवासियों को महत्व सिखाती है। देवी पार्वती भी इस समय वही कर रही थी। एक ओर देवी पार्वती अपने घर को सवारने में लगी थी तो दूसरी ओर तारकासुर के भेजे हुए असुर बहुत ही तीव्र गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। चलो असुरों, वो स्त्री जिससे महादेव ने विवाह किया है वो कैलाश में ही होगी। आज उसका अंत करके महाराज तारकासुर को प्रसन्न कर देंगे हम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कब जाएंगे हम भीतर? मैं भी यही सोच रहा हूं श्रृंगी, मां को इतना समय क्यों लग रहा है? प्रभु आप? इतनी पवित्र सुगंध, जैसे हवन किया। श्रृंगी, लगता है वो स्थान हमारे लिए है। वो देखो, हमारे वाद्य यंत्र। अवश्य ही वो स्थान हम सबके लिए ही है। प्रभु, आज से पहले केवल ये पर्वत था, किंतु अब ये घर लग रहा है। ये तो होना ही था नंदी, इस स्थान को घर बनाने वाली जो आ गई, इस घर की स्वामिनी जो आ गई। बस बस बस, बहुत हुई प्रशंसा। घर स्वच्छ हो गया है, आप लोग भी हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाइए, फिर साथ में बैठकर भोजन करेंगे। Thank you.
ये भोग स्वीकार कीजिए स्वामी। यही सही समय है आक्रमण करने के लिए। प्रभु, सारे असुर तो माता पार्वती के प्राण लेने के लिए आतुर थे, तो फिर किसने उनके प्राण बचाए? आगे क्या हुआ बताइए ना। मूषक जी, उन्हें कोई क्या बचाएगा? जिनके होने से इस निर्जीव संसार में जीवन आया, जो शिव की शक्ति है, उन्हें कोई कैसे हानि पहुंचा सकता था? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे गुरु पर कोई संकट आने वाला है? इस लीला से देवी पार्वती ने सृष्टि के समक्ष स्त्री शक्ति का एक नया उदाहरण रखा। देवी पार्वती का ये रूप इस बात का चिन्ह है कि जो भी स्त्री प्रतिदिन संध्या आरती के पश्चात अपने निवास स्थान पे घंटा बजाएगी, उसके घर से दुख, रोग और समस्त बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अद्भुत पार्वती, आपके इस घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ पहले से भी शुद्ध हो गया। जो स्त्रियां सुबह और संध्या के समय ऐसे ही घर स्वच्छ करके भोग लगाकर घंटा बजाएंगी, उनके घर बुराई कभी प्रवेश नहीं करेगी। आरंभ करो। माँ, इससे अधिक उत्तम भोजन तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। हाँ माँ, आज पोषण हमारे तन को नहीं हमारी आत्माओं को मिल रहा है। और इस प्रकार से माँ के इस रूप को जो नाम मिला है वो है चंद्रघंटा। श्री माता का ये रूप परम कल्याणकारी और शांतिदायक है। इनका ध्यान करने वाले साधक को पृथ्वीलोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।
जिस प्रकार देवी पार्वती ने अपने घर को सजाया था, सवारा था, वैसे ही अपने घर का ध्यान रखना हर स्त्री का दायित्व है। जो स्त्री नित्य कर्मों के साथ साथ विशेष अवसरों पर किए जाने वाले विशेष कर्मों के साथ अपने परिवार का ध्यान रखती है, उस स्त्री के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पर जो स्त्री अपने घर का त्याग करती है, अपने दायित्व से उदासीन होकर दूसरों के घर में ताक झांक कर अपने वचनों और कर्मों से नकारात्मकता फैलाती है, वो स्त्री ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अनिष्ट का आमंत्रण देती है। कथा देवी की और वचन अपने। आप क्या कहना चाह रही हैं मैं अच्छे से समझती हूँ। दीदी, कथा सुनने के बाद आरती लिए बिना नहीं जाते। आप सभी से प्रसन्न हूं। गरुड़, विष्णु का वाहन बनने के लिए तुम्हारे व्यवहार में वीरता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। मैं तुम्हें वरदान देती हूं, इन सभी गुणों का तुम में समावेश हो। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माँ। प्रभु, तो क्या वो क्षण आ गया जिसकी गरुड़ को प्रतीक्षा थी? क्या गरुड़ अब तैयार है विष्णु जी का वाहन बनने के लिए? ये तो गरुड़ पर निर्भर करता है कि इस कथा के संपन्न होने के पूर्व वो स्वयं को इस योग्य बना पाएगा या नहीं। वैसे समय के पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब देखना ये है कि क्या श्री हरि कृपा से गरुण अपना भाग्य बदल पाएगा। क्या हुआ श्रीमान, आपकी आंखों में आंसू? आज आरती के समय बहुत ही अलग अनुभव हुआ भैया जी। बहुत ही अच्छी खुशबू थी, जैसा आप बताए थे ना कैलाश पर्वत पर, बिल्कुल वैसी ही। न केवल सुगंध बल्कि हमें तो नूपुर का स्वर भी सुनाई दिया। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, लेकिन हमें आज पहली बार स्वयं मां के होने का आभास हुआ।
आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है भैया जी। हमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है बहन जी। जो होता है या जो हो रहा है वह सब श्री माता की इच्छा से ही होता है, और जो भविष्य में भी होगा वह सब भी उनकी इच्छा से ही होगा। बहुत हुआ भैया, अब आप उन तीनों से छुट्टी पाइए। ऐसा क्यों कह रही है चीची? वो तो बड़े भले प्राणी। उनकी धर्म पत्नी हमें चिढ़ा रही है और आप अपनी दीदी का अपमान होते हुए देखते रहे, कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। शांत हो जाइए दीदी, इस तरह से बिना बात के बखेड़ा खड़ा करना उचित नहीं ना है। हम अभी अभी पूजा से लौटे हैं, क्लेश करना सही नहीं है। वाह, देख रहे हैं भैया, जिन अतिथियों को आपने अपने घर में पना दी है उन्हीं के लिए हमारी भौजाई हमें आपकी दीदी को कड़वी बातें सुना रही है। बस यही देखना शेष था। दो चार दिन में वो लोग इतने सगे हो गए कि आपने हमें ही पराया कर दिया। ऐसा नहीं है दीदी। ये मत भूलिए कि आपका पुत्र नहीं है जो आपका हालचाल पूछेगा, जो है बस हम ही हैं, हम ही हैं जो आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। आप जाइए यहां से। पर हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। आपको जब तक यहां रहना है आप आनंद से रहिए दीदी, परंतु आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती कि हमारे पुत्र के बारे में कोई बात मत कीजिए। आप दोनों के बाद ये सारी संपत्ति हमारी होने वाली है, ऐसा पक्का प्रबंध करेंगे ना कि इसे हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। जय मां भगवती। आज तो आप दोनों समय से तनिक पहले ही आ गए। आप कथा ही इतनी अच्छी सुनाते हैं, आज प्रतीक्षा में कब शीघ्र उठ गए पता ही नहीं चला। आपसे कथा सुनते सुनते कुछ समय के लिए हम अपने सारे कष्ट सारे दुख भूल जाते हैं, बहुत शांति मिलती है मन को। बहन सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक ही है। आइए ना कथा प्रारंभ करते। बुआ जी नहीं आए आज? हो कथा का समय बीतता जा रहा है, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे, हम आरंभ करते हैं, है ना जी? तीव्र भूख लगी है। ये सारे पात्र रिक्त पड़े हुए हैं, हम
तुम्हें लगा था कि ये दोनों कून अतिथियों के यहाँ सिर्फ कथा सुनने जाते हैं, पर अब लग रहा है कि इन्होंने व्रत भी करना आरंभ कर दिया है। तभी तो न चूल्हे में अग्नि है न पात्रों में भोजन, पर अब हम क्या करें? हम तो यहाँ आए इसलिए थे कि अपने घर का कार्य ना करना पड़े, अब लगता है कि भोजन भी स्वयं ही बनाना पड़ेगा। तब तक जल से ही काम चला लेते। देवी पार्वती के कैलाश में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उनकी देख रेख में सब कुछ सुंदर और सुव्यवस्थित हो गया। शिवाय। देवी पार्वती के इस रूप में उनकी कृपा दृष्टि से दसों दिशाओं में सृजन की प्रक्रिया सक्रिय होने लगी। वृक्ष वनस्पतियां पेड़ पौधे सब कुछ फल फूल रहे थे, जिसका जन्म इस सृष्टि के लिए अभूतपूर्व है। शिव और शक्ति का पुत्र देवराज इंद्र की अपेक्षाएं इन सब संकेतों को देखकर अपने चरम तक पहुंच गई थी। पर सत्य तो ये है कि ये सृष्टि की सारी रचना माता ने बहुत पहले से ही शुरू की थी। यही है इनका चौथा रूप, माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, न सृष्टि का अस्तित्व था न प्रकाश की कल्पना, तब इन्हीं माता ने अपने मुस्कान से सारी ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य के स्तोत्र में होता है, वही है सूर्य देवता की अग्नि का स्तोत्र। उन्हीं की मुस्कुराहट से इस पूरे संसार का जन्म हुआ है। इसका ये अर्थ ये भी है कि पुरुष का संसार स्त्री के मुस्कान से ही फलता फूलता है, पर जिस घर में स्त्री दुखी हो, सुख और शांति का वास वहां संभव नहीं। इसलिए स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता बनाना हम पुरुषों का दायित्व। आप बहुत बुरी माँ हैं। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। चुप। अरे रहने दीजिए, पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी, आप जाइए यहाँ से। हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। भगवान, अनेक बार क्रोध किए हैं हम आप, न जाने कितनी बार आपको हमारी आवश्यकता थी, न जाने कितनी बार आपका साथ भी नहीं दिया। बस कीजिए, कभी कभी तो हमें अचरज होता था कि
कि आप पुरुष कब समझ पाएंगे हम स्त्री को, कब जानेंगे कि क्या छिपा है हमारे मन में। भले ही देर लग गई पर आज आपको इस बात का आभास हो गया है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। चलिए हम सब मिलकर मां कुष्मांडा की आरती करते हैं। आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप सदैव रोग और शोक से मुक्त रहेंगे, यही मेरा वरदान है। भगवान, हमें मां का स्वर सुनाई दिया, क्या आपको भी? पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारे शोक से हमें मुक्ति मिल सकती है? हम भी इसी उलझन में हैं स्वामी, हम दोनों के दुख का कारण तो एक ही है, हमारे पुत्र का हमसे दूर होना। क्या सच में हमारा दुख दूर हो सकता है स्वामी? प्रभु, उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए पर उन्हें माता के होने का आभास तो हुआ, किंतु उन्हें ये कब ज्ञात होगा प्रभु कि उनके संबंध में खटास उनकी बहन के कारण है? उनके दुख कब दूर होंगे प्रभु? मूषक जी, उनका दुख दूर करने हेतु ही मामा श्री ने कथावाचन के लिए उनका निवास स्थान चुना, और जैसे जैसे उन्हें माता के भिन्न भिन्न दिव्य स्वरूप के बारे में ज्ञात होगा, वैसे वैसे उन्हें अपनी पीड़ा और समस्या का समाधान भी मिलता जाएगा। अब देखना ये है कि उन्हें अपनी समस्या के जड़ का भान कब होगा। नवरात्रि के पांचवें दिन हम देवी के स्कंद माता की रूप की कथा सुनेंगे। स्कंद का अर्थ होता है कुमार कार्तिकीय। प्रभु गणेश के भाई कार्तिक जी? हाँ सुपर, हम इस कथा में देवी पार्वती के उस स्वरूप को देखेंगे जब उन्होंने पूर्णता का आभास किया, जब वो मां बनी। कीजिए 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 कीजिए, जितने व्रत और पूजा कर सकते हैं कीजिए। व्रत और तप करने से पुत्र तो लौट कर नहीं आएगा, किंतु आपके भीतर का अपराध बहुत जरूर कम हो जाएगा। मां होकर भी पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई ना आप। आप इतने कड़वे वचन क्यों कहती है बुआ जी? ऐसा है बुआ के भतीजे जी, कि हमने जो कहा अपनी भौजाई को कहा और अपने भाई के सामने कहा, तो आपने बीच में कुछ क्यों कहा? आप होते कौन है, क्या अधिकार बनता है आपका?
आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है, पर मनुष्यता तो यही कहती है कि दुख में साथ दिया जाए, ताने नहीं। सेवक तो सेवक, अब स्वामी जी भी ज्ञान देने लगे। आपकी ये मीठी मीठी बातों में ना मेरे भाई भौजाए जरूर फंस सकते हैं, किंतु मैं चतुर, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सुपर्ण, ये व्रत का समय, किसी के भड़काने पर क्रोधित होकर अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, यहाँ सब बिना बाधा और व्यवधान के कथा सुनने आए हैं। यदि आपको कथा सुननी है तो यहाँ ठहरिए, अन्यथा अब जाकर विश्राम करें। देखकर मुझे मातृत्व की भावना क्यों अनुभव हो रही है? मुझे लगा था कि आपको पाने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की कामना जन्म नहीं लेगी, पर आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरे हृदय की गहराई में एक और इच्छा छिप कर बैठी है। उसे भी पूरी कर दीजिए महादेव, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तथास्तु। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की लीला भी इस कथा के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ मूषक जी, मैं भी आपकी भांति अत्यधिक उत्सुक हूँ भ्राता कार्तिकेय की लीला को सुनने हेतु। किंतु उनके जन्म से सभी इतने प्रसन्न नहीं थे। एक ओर सभी देवताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, तो दूसरी ओर उनके जन्म से माँ भी पिताश्री से रुष्ट हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था प्रभु? ये कथा जितनी सुखद है उतनी ही पीड़ादायक भी, विशेषकर माँ के लिए।